पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जन क्रांति एकता मंच ने शहीदों की शहादत पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बबराला जन क्रांति एकता मंच ने कस्बा बरवाला में हाल ही में हुए महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सली हमले में शहीद हुए सभी जवानों को कैंडल जलाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव राजा भैया ने कहा, शहीदों की शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए। जितने दुश्मन हमारे देश से बाहर हैं, उससे कहीं ज्यादा हमारे देश में गद्दार मौजूद हैं। जिलाध्यक्ष बीएस यादव उर्फ भगवान सिंह ने कहा, यदि इस तरह की गतिविधियां नहीं रुकती हैं, तो हम सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। जवानों की वजह से ही ये देश सुरक्षित है। संगठन के समाज सेवी नवनीत गांधी ने कहा, नक्सली हमले में 15 जवान शहीद हुए हैं, ये दुश्मनों की सोची समझी रणनीति के तहत है। मेरा केंद्र सरकार से निवेदन है, इस मामले की जांच का सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि देश में ये हमले दोबारा न हो। वहीं जन क्रांति एकता मंच के सभी कार्यकर्ताओं ने देश में एकजुटता एवं अखंडता के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। इस समय संगठन के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आंखें नम है हमारी और दिलों में गुस्सा भी है, क्योंकि जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, जिनकी वजह से हम सुरक्षित अपने घरों में सोते हैं, जिनकी वजह से हमारे सुरक्षित कारोबार होते हैं, जिनकी वजह से हमारे बच्चे सुरक्षित स्कूल जाते हैं और सुरक्षित घर आते हैं, उन वीर जवानों की शहादत पर हमारा देश रो रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कि जितने भारत देश के बाहर दुश्मन नहीं है, उतने हमारे देश में गद्दार छुपे हुए हैं। ये नक्सली हमला हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें हमारे 15 जवान महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में शहीद हुए हैं, उनकी शहादत को नमन करते हुए जन क्रांति एकता मंच ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित।